तो मेरे ऊपर कैमरा डाल के बाद में ही कर पहले से। रेडी ऑन। हाँ तो दोस्तों अभी इस वक्त हम लोग उलवे में हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूँ जितेंद्र टवरमरानी उर्फ टोनी। ये कार में बैठे बैठे ही हमने व्लॉगिंग शुरू की, जैसे मैंने बताया न्यूज़ टीवी व्लॉग्स। तो अब हम उलवे में हैं, उलवे में बामन डोंगरी। अब रिक्वेस्ट है कैमरामैन से कि मेरी तरफ फोकस ना करके। बामन डोंगरी आप देख सकते हैं, सामने रेलवे स्टेशन है, बहुत ही बड़ी ह्यूज ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे पब्लिक से पूछने की कोशिश करेंगे वीडियो बाइट्स कि बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन बनने के बाद यहाँ की पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटीज़, कितना कन्वीनियंट फील करती है। बिकॉज रेलवे स्टेशन आ जाने से काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो ट्रैफिक के हिसाब से द वे टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स आर पार्क्ड आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, दिस इंडिकेट्स कि काफ़ी पब्लिक यूज़ कर रही है। कैमरामैन जरा आप मोटरसाइकिल्स, बामन डोंगरी का बोर्ड ले लिया। बामन डोंगरी होगा यहाँ का लोकल कुछ खासियत। उल्वे है तो उल्वे स्टेशन नहीं है कहीं? नहीं, उल्वे नहीं है। बामन डोंगरी नाम क्यों रखा वो भी पूछना पड़ेगा किसी से। गुड क्वेश्चन। देखो बामन डोंगरी का बड़ा सा बोर्ड भी ले लो, पहले तो स्टेशन कवर कर लो अच्छे से, पैन कर लो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट वहाँ से निकलो। धूप है, हम लोग नीचे नहीं उतरना चाहते हैं। कैमरामैन भी सुस्त है, एंकर भी सुस्त है, पैन कर रहे हैं कार में बैठे बैठे। अच्छा ये तो बच्चे लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना? दिल्ली शूट अच्छी तरह से, हैंकी पैंकी मत शूट कर। बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन प्रपोज्ड का बोर्ड अभी तक नहीं निकला। ये रेलवे स्टेशन तो स्टार्ट हो चुकी है कब की। बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन आप देखेंगे, यहाँ पे राइट में पहले से ही डेवलप्ड बिल्डिंग्स हैं, थोड़ी सी पुरानी लग रही हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन भी है काफ़ी। पब्लिक तो नज़र नहीं आ रही, बाइट्स किसके लेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा पहले आपको व्यू दिखा दूँ बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन के आसपास का, देन वी विल ट्राई टू टेक सम वीडियो बाइट्स। उसके बाद मेरी टीम को भूख भी लगी है, बोल रहे हैं कि सर 25-30 दिनों से कुछ नहीं खाया है, वड़ा पाव या चाय खिला दो पिला दो। ये क्या है? आपका भला होगा। आपका ये देखो वड़ा पाव है इसके पास, छोटी बच्ची वड़ा पाव, ये छोटी बच्ची चला रही है। क्या है मराठी में लिखा हुआ है इसमें? एक मराठी अवनी, नहीं लेकिन वड़ा पाव है योजना के अंतर्गत, मतलब किसी अच्छा योजना के अंतर्गत है। देखिए ये काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, विच इज़ वेरी एडजेसेंट टू बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन। अब ये आदमी का शायद मैंने इंटरव्यू लिया था, ये जो बड़ा आदमी दिख रहा है जिसका फोटो है, इसके ऑफिस में चलते हैं वापस। हाँ इसके ऑफिस यहीं है, पास में इंटरव्यू लिया था मैंने इसका, याद आ रहा है मुझे अभी। बामन डोंगरी, एक मिनट ट्रैफिक बहुत है। लेट अस फाइंड सम वड़ा पाव वाला। यहाँ से अब मैं रिटर्न जा रहा हूँ, लेकिन बामन डोंगरी के बाइट्स स्टेडियम, ये बर्गर है इसके पास, आलू टिक्की बर्गर चलेगा? चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं गाड़ी गलत जगह